का हरा पत्तीदार फुटका, ग्रीन लीफ हॉपर। धान में पाया जाने वाला हरा पत्तीदार फुटका देख रहे हो ना? आकार में भले ही एकदम छोटा दिख रहा हो, लेकिन असल में बड़ा ही उपद्रवी कीट है। यह पौधों की सभी अवस्था में हमला करते हैं और पत्तियों पर टिप से नीचे की ओर पीलापन बढ़ने लगता है। इस कीट के अंडे सफेद और हल्के पीले रंग के होते हैं और अंडे पत्तियों की मध्य शीरा पर ही देते हैं। इसके नुकसान के लक्षण तुरंत दिखाई पड़ते हैं। इस कीट के शिशु और वयस्क दोनों ही पौधों की पत्तियों से रस चूसकर उन्हें कमजोर कर देते हैं और साथ ही ये कीट धान के टुंगरों विषाणु रोग को फैलाने का कार्य भी करते हैं। इसके बचाव हेतु सही बीज की किस्मों का चुनाव बेहद जरूरी होता है। हमेशा हरे फुदके एवं टुंगरों विषाणु प्रतिरोधी किस्मों जैसे IR50, IR54, IR64, CR1009 एवं CO46 और सफेद पोनी को बुआई के काम में ले। यूरिया खाद के अधिक इस्तेमाल से पौधों में अत्यधिक हरापन होता है, जिससे कीट आकर्षित होते हैं। इसीलिए यूरिया खाद को संतुलित मात्रा में दे और एक साथ डालने से बचे। यह कीट खरपतवारों पर अपने जीवन चक्र की कई अवस्थाओं को पूरा करते हैं। इसीलिए खेत की मेड़ों और आसपास की खाली जगह में खरपतवारों को उगने ना दे। खड़ी फसल पर कीट दिखाई देने पर ये रासायनिक नियंत्रण के उपाय अपनाएं। धान के हरे फुदके के प्रबंधन के लिए किसी भी एक कीटकनाशक जैसे थायोमिथाक्लास 25% WG की 40 ग्राम मात्रा को प्रति 200 लीटर पानी या एसिफेट 9%, ब्रुफोफेजिन 24%, WP 240 प्रति ग्राम 200 लीटर पानी प्रति एकड़ या क्लोनिकामाइड 50% WG 60 ग्राम दवा को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ खेत में छिड़काव करें। एक बात हमेशा याद रखना, फसल में लानी हो जान तो समय रहते ही कर ले समाधान। फसल से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए कृषि ई ऐप को इंस्टॉल करें और हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। कृषि ई ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें।